दोस्तों, हमें 60 से लेकर 80 के दशक में कई अभिनेत्रियां देखने को मिली हैं जिन्होंने फिल्मों में अपने लुभावनी एक्टिंग स्किल्स और अपनी खूबसूरती से दर्शकों का खूब दिल जीता था। इसलिए तो दर्शक उनकी फिल्मों को देखने के लिए बेताब रहते थे। मगर हैरत की बात यह है कि बॉलीवुड में अपनी अदायगी से सभी को इम्प्रेस करने वाली वो अभिनेत्रियां अचानक इंडस्ट्री से दूर हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आप उन अभिनेत्रियों के बारे में तो बखूबी जानते हैं जो इंडस्ट्री से अचानक गायब हुई, मगर शायद ही आप इनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में जानते होंगे। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है आपको इनके लाइफ बच्चों से रूबरू करवाने का। इसलिए तो आज की इस वीडियो में हम आपको अचानक बॉलीवुड से दूरियां बना लेने वाली 5 एक्ट्रेस के रियल लाइफ ट्रायल्स से रूबरू कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में। नंबर 1, अनीता राज। अभिनेत्री अनीता राज वही हैं जिन्होंने 80 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। मगर जब इन्होंने अनिल हिंगोरानी से शादी की तो इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। लेकिन अगर बात करें अभिनेत्री अनीता राज के बच्चों के बारे में तो इनका एक बेटा है जिनका नाम शिवम हिंगोरानी है, जो कि वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्मों में काम करते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज इनके बेटे शिवम हिंगोरानी ने अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रेनू ओब्रॉय के साथ शादी रचा ली है, जो इनके साथ वर्तमान में वो बेहद खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में खुद ही देख पा रही होंगे। नंबर 2, तनुजा। हाथी मेरे साथ ही, अनुभव और ज्वेल थीव जैसी कई फिल्मों में अपनी बेमिसाल एक्टिंग से सभी के दिलों को जीतने वाली अभिनेत्री तनुजा के बच्चों के बारे में बात करें तो इनकी दो बेटियां हैं, जिनमें से आप इनकी बड़ी बेटी और अभिनेत्री काजोल के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, जो कि 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा होने के साथ साथ काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के साथ शादी रचा ली है और आज दो बच्चों के साथ वो खुशहाल जीवन बिता रही हैं। वही बात करें इनकी दूसरी बेटी तनिषा मुखर्जी के बारे में तो बता दे, तनिषा भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्हें सरकार राज फिल्म में काम करने के लिए जाना जाता है, मगर वो अपनी माँ और बहन की तरह बॉलीवुड में कुछ खास मुकाम हासिल ना कर पाई थी। वहीं फिलहाल तनिषा मुखर्जी सिंगल है। नंबर 3, कविता कपूर। 70 से लेकर 80 के दशक में हर एक एक्ट्रेस को पीछे छोड़कर अपना नाम टॉप एक्ट्रेस में दर्ज कराने वाली एक्ट्रेस बबीता कपूर को तो आप अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने कई फिल्मों के बाद अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के बच्चों के बारे में तो इनकी दो बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर, जो कि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और अब तक एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुकी हैं। जहां वर्तमान में करिश्मा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर वेब सीरीज में नजर आती हैं, तो वहीं करीना कपूर ने आज भी अपने करियर को बरकरार रखा है, जो जल्द ही आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा फिल्म में नजर आने वाली हैं। वहीं जहां करिश्मा कपूर संजय कपूर से तलाक लेकर अपने दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, वहीं करीना सैफ के साथ और अपने दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 4, रीना रॉय। नागिन, जानी दुश्मन और नसीब जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों को जीत चुकी अदाकारा रीना रॉय के बच्चों के बारे में बात करें तो इनकी एक बेटी है जिनका नाम सनम खान है, जो कि दिखने में बेहद ही ज्यादा प्रिटी है। मगर आपको बता दें, जहां उनकी मम्मी बॉलीवुड से दूर होने के बावजूद भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं, तो वहीं इनकी बेटी सनम को बॉलीवुड की दुनिया से बिल्कुल भी मतलब नहीं, तभी तो वो लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। नंबर 5, दीपशिखा नागपाल। कोयला और बादशाह जैसी कई फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाने वाली अदाकारा दीपशिखा नागपाल के बच्चों के बारे में बात करें तो इनके दो बच्चे हैं, जिनमें बेटे का नाम वेदिका उपेंद्र है और बेटे का नाम विवान उपेंद्र है, जो कि फिलहाल वर्तमान में अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, जिन्हें लाइमलाइट में अक्सर स्पॉट किया जाता है, जहां वो अपनी मम्मी के साथ काफी खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में खुद ही देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री के साथ उनके बच्चों की जोड़ी सबसे बेस्ट लगती है, आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।